What is up, people, and welcome back to the channel. Hi, this is Rapster, and welcome to a new week. आज का मौसम इतना खूबसूरत है and राइड शुरू हो चुकी है इंदौर के लिए, but कोई भी राइड बिना किसी कुछ तो गड़बड़ के नहीं कंप्लीट हो सकती, और यही राइड का इसमें भी वही हो रहा है. सो माई टायर गॉट फ्लैट एंड इट्स नॉट अ बेसिक पंक्चर जो पिन वाला लगता है, वैसा नहीं है ये. इट इज़ अ फ्लैट कट एंड किट से काम नहीं हो रहा है. वी आर हियर एट अ पंक्चर वाला एंड ही सेड कि ही डजंट नो हाउ टू ओपन द टायर. दूसरे वाले को पूछा, उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है. अब तीसरा ऑप्शन बचता है, खुद टायर खोले, ही विल मेक द पैच एंड विल फिट इट अगेन. लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज. वरना एक ट्यूब वाला ऑप्शन है, एक टायर वाला ऑप्शन है. वट एवर द थिंग्स आर नीडेड, विल डू दैट, गेट डन एंड मूव टू इंदौर. शुरुआत में थोड़ा सा ब्रेक सॉफ्ट है, एयर बबल रहेगा एक दो, बीच बीच में हो जाएगा. cool. तेरे हिसाब से कुछ चेंजेस रहेगा अभी करते. Wilfenco has done its work. मैं थोड़ा बहुत हाथ लावला है, हाँ थोड़ा कचरा आहे इथे. रुक मैं भी करना. हाँ मारा थोड़ा कचरा लग रहा, चालेल ना. भी काम वैसा डालता है मैं शक्ल से काला है, मेरा हाथ गोरा है वैसे, इसलिए वो धूल दिख नहीं रहा. तो आई हैव हैक्ड ब्रैपस्टर्स चैनल, अब से ये मेरा चैनल है, प्रीतम बोस सेकंड के नाम से जाना जाएगा. बाय द वे कुछ नहीं, सो ही इज गोइंग नाउ फॉर द टेस्ट रन टू सी इफ ही नीड्स एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज राइडिंग पैटर्न. लेट्स सी, सब कुछ तो हो गया, प्रिपेयर्ड है गाड़ी, टायर सेट है, ऑल गुड. चलो कोई नहीं, गिविंग हिज चैनल बैक टू हिम. सो द चैनल इज बैक अंडर माई कमांड एंड सब ठीक हो चुका है गाड़ी में, थैंक्स टू वुल्फ एंड द कंपनी. दिस इज द फकिंग कंपनी. हाँ तो बोलते इथे लाओ सर्वेश. हाँ. सारे शूटर सब हार्ड है, वुल्फ कम्स इन मैकेनिक इन पॉकेट सिक्स. सिर्फ ग्राइंडर नहीं लाया ना. मलक. अगेन वी आर फेसिंग अ टायर फक अप. एक और बार आगे का टायर अब पंक्चर हो चुका है, आगे का टायर बदल, उसमें भी ट्यूब डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पीछे काम चालू है एंड शब्द नहीं बचे अभी बोलने के लिए. हाँ, हमारे मित्र है साहिल राव, उन्होंने बोला है तुम्हारे वीडियोस फैमिली के साथ नहीं देख सकते, थोड़े एडल्ट हो रहे हैं, मतलब थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, तो हम इस वीडियो में थोड़ा कंट्रोल करेंगे खुद पे और बनाएंगे इंदौर के लिए. बट जिस हिसाब से जैसे ये साइकिल चल रहा है ना, तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा देर मेरे ज़ुबान पर कंट्रोल रह सकता है इसके बाद, बट ट्राई पूरा करेंगे एंड होप एवरीथिंग गोज वेल. इंदौर सुखद रहे. भूख लगी है ना ब्रो, क्रेजी बाइकर इंडिया एज यूजुअल. होना ही मांगता है, यही सब बाद में याद आता है कि हम आए थे और 100 किलोमीटर के लिए हमने 3 घंटे लगाए. यही पल तो बाद में याद आएंगे. And we have crossed Dhule and ये छोटी सी जगह मिली है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकलने वाले हैं. अभी तक का सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा है. जैसे ही हम कसारा से निकले,
मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके थे, मेरी लाइफ थोड़ी बहुत शॉर्ट हो चुकी थी, तो कोई दिक्कत नहीं राइड करने में। राइड इतनी स्वीट रही है, राइड इतनी स्वीट रही है। आइए सबसे जानते हैं कैसी राइड हुई है अब तक की, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई, इंदौर अभी दूर है, बट ठीक है। तो सुमित कैसा लगा? मजा आया। इसकी आंखें देखो जो लाल हुई है ना, मैं जो नशा देखो राइड का, रोड एक नंबर। इंदौर से कुछ 2-3 किलोमीटर हम पीछे है, इंदौर के स्टार्ट पे ही हमारा होटल है। सो वहाँ पे जाके ब्लॉग तो बनाएंगे ही, बट हमें यहाँ पे थोड़ी चाय की तलब लगी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे। ओ वीरे क्या सीन कसम कट्टा लेके जाएंगे हाथ में नहीं फटनी चाहिए 500 गाय ना रस्त्यात जम गाया दिसल्या घेतली काय कधी कट्टेन चोर। आप देख सकते हैं काफी बड़ा और काफी खूबसूरत है, मैं दिखाता हूँ। सो ये हमारा रूम है, यहाँ से एंट्री है हमारी, दिस इज द बेड, और ये हमको एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए था, सुमित सोएगा जिसपे, और एंड दिस इज द वॉशरूम। ओ काफी बड़ा है। ओ भाई मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। वो पहला कपड़ा उतरेगा, वो जाएगा नंगा साला। ये मालक बाथरूम में घुस के क्या कर रहे थे? ओ गरीबा मालक। क्रिकेट खेलते थे गली क्रिकेट। अपन किधर आए? 56 यहाँ पे आए थे, 56 बाजार में थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करने, तो यहाँ पे आके समझ में आया कि यहाँ पे कोरोना नहीं है, लेजिट नहीं है। सो देखिए थोड़ी बहुत पेट पूजा, फिर काम दूजा। बहुत सारी खाने की चीजें हैं, तो क्या ट्राई करना है? भुट्टे का पप्पी। यहाँ पे एक दुकान मिला है हमें, जहाँ पे शायद हमारी पसंद की चीजें मिल सकती है। सॉरी ये नहीं, ये वाला जहाँ पे हम खाने। सो दैट वाज 56 बाजार फ्रॉम माय साइड। सो व्हाट इज अप पीपल, तो यहाँ हम है इंदौर के होटल में, एंड होटल आपने देख ही लिया है। ये सुमित है यहाँ पे, प्रीतम वॉज टेकन, एंड यहां से हमें निकलना है उज्जैन के लिए। चलो
उसके पहले सबसे पहली चीज़ है जो कि दिन शुरू करती है वो है चाय। सो यहाँ पे ये चाय ठिया करके स्टॉल है, यहाँ से चाय पी के थोड़ा फ्रेशन अप होके उज्जैन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे महाकालेश्वर के मंदिर में जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रही तो हम अवॉइड ही करेंगे, बट अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी करेंगे। एंड देन आगे महाकालेश्वर आए थे एंड जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं लंबा रूट है एंड काफ़ी क्राउड था इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। बट देन यही एक सबक मिला कि लाइक बाइक्स, ऐसी बाइक्स लेके तो नहीं आना, बट आना है हो तो थोड़ा फ्री हैंड आना, सो यू कैन ट्रैवल मोर, एक्सप्लोर मोर एंड वरी अबाउट थिंक योर थिंग्स लेस। सो इसी की वजह से ये नहीं हो पाया। जैसे जंतर मंतर जो कि महाकालेश्वर मंदिर से यहाँ से हम बाहर निकले और यहीं पे था एंड वी आर सर्चिंग फॉर इट, बट आज संडे है तो अनफॉर्चुनेटली ये बंद ही है। हमने आके देख भी लिया, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया, अब सब वापस इंदौर। हाँ, उज्जैन घूम के हो चुका है, घूम के नहीं हुआ, हमारी फेरी मारून जाली हमसी इतने फिरने सर के काय नहीं। दिस इज़ आवर लास्ट डे इन इंदौर। सो फिलहाल यहाँ पे हालत कुछ ऐसी है कि हम बड़े आराम से बैठ के यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे हैं और उसमें जो पराठा है, वाह भाई वाह। एंड इस होटल का पूरा श्रेय जाता है इन्हें, समित जायसवाल AK-04JS व्लॉग्स, जिन्होंने इस होटल को और इस नाश्ते के लिए काफ़ी मेहनत की है ढूंढने के लिए। ये नाश्ता होने की बदौलत है दो दिन बाद, एक्चुअली हाँ दो दिन बाद इतना अच्छा नाश्ता मिल रहा है खाने के लिए। और भाई मैं रुका रहा हूँ, सो दिस होटल बी टाउन इन इंदौर, सो या दिस होटल बी टाउन इन इंदौर, इफ यू आर विजिटिंग इंदौर देन डू विजिट होटल बी टाउन। दिस इज द रिसेप्शन वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन ऑफ दिस होटल, काफ़ी स्वीट लोग हैं यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? इंदर। मैंने काफ़ी हेल्प की हमारी अभी। नहीं सर, आपने काफ़ी हेल्प की हमारी, तो हम बता रहे जो भी देखते हैं हमें कि यहाँ पे आइए थोड़ा। सो इफ़ यू आर एवर विजिटिंग इंदौर, डू स्टे इन दिस प्लेस, काफ़ी अच्छी सर्विस बोल सकते हैं यहाँ पे। लाइक पूरा इंदौर हमने यहीं पे एंजॉय किया है मेनली, एंड क्या बताया, आप पता चल जाएगा।